हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एन के आनंद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम एंड एससीएफ करने वाले हैं, जो कल जो कर रहे थे कल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तबीयत सही नहीं था। तो आज फिर से लेक्चर वन करने वाले हैं आज। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी कोई लाइव आ जाइए और एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। चलिए फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को सभी कोई लाइक कर दीजिए। चलिए जितना जल्दी हो सके सभी कोई लाइव जुटिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कोई, साथ साथ लाइक करते हुए। चलिए फटाफट जुटिए। आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एंड एससीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए सभी कोई। चलिए फटाफट लाइव आ जाइए सभी कोई, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। फटाफट जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को जोड़िए फटाफट तेजी से। चलिए जितना जल्दी हो सके सभी को जोड़ने का काम कीजिए। चलिए जितना जल्दी हो सके फटाफट जुटिए। आज हम लोग एलसीएम एंड एससीएफ करने वाले हैं। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक और एससीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है। और वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट सभी को जुड़ जाइए थोड़ा सा। और आप लोगों को हम एक बात बार बार बोलते हैं कि क्लास में जो है ना एंडिंग पॉइंट तक आप लोग बने रहिए, तभी कुछ सीख पाइएगा। ये बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाते हैं आप लोग, तो वो नहीं करना है। अरे क्लास करते हैं, एक घंटा करना है क्लास, इससे ज़्यादा थोड़ी करना है। एक घंटा तो कम से कम जुटे रहिए सभी कोई, तभी तो लगेगा कि नहीं हाँ हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ क्लास किया। ऐसे बीच में आते हैं बीच से निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो आपका व्यर्थ जा रहा है। ये टाइम को नष्ट ना करें, जुटे रहे कंटिन्यू तक। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कोई, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कोई, एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। जितना जल्दी हो सके फटाफट सभी कोई जुटिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए फटाफट जुटने का काम कीजिए सभी कोई तेजी से। चलिए देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एंड एससीएफ। एलसीएम और एससीएफ, एलसीएम एंड एससीएफ करने वाले हैं आज। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए सभी कोई, सीखने की चाह है तो अंत तक तो जरूर बने रहेंगे। जिसे सीखने की चाह नहीं है उसे आप कितनों बात कर दीजिए, कितनों बोली बोल दीजिए, उसको शर्माने वाला नहीं है। वो अपना चाल जो है वो कन्वर्ट नहीं करने वाला है। चलिए जल्दी से फटाफट सभी कोई जुट जाइए, वीडियो को शेयर करते रहिए सभी कोई, शेयर कर दीजिए सभी को और जोड़ने का काम कीजिए सभी को। चलिए जल्दी से जुट जाइए सभी कोई, क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। और जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक वो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चलिए देखिए, एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले वो जान लीजिए। एलसीएम का बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये जो है एलसीएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल अब इसमें जानना है कि कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, देखिए हमको एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ का भी बता रहे हैं, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स। ठीक है, हमको एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले जो है ना हमें दो बातें जाननी होगी, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं, ये इन दोनों बातों को हमको अच्छी तरह से जानना होगा। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है, इनके बारे में हमको जान लेना होगा। देखिए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का हिंदी होता है बाबू गुणज। क्या होता है? गुणज। मल्टीपल का हिंदी गुणज होता है। और दूसरा बात करें फैक्टर, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे कि हमने दो एग्जांपल रखा, जैसे कि मान लीजिए कि 12 और 16। ठीक है, अगर हमने बोले कि 12 का गुणज क्या होगा, 12 का गुणज क्या होगा, इस तरह से अगर कोई पूछे कि 12 का गुणज क्या होगा, सीधा सीधा क्या करना है, 12 के टेबल को पढ़ दे रहे, बरखा पहाड़ा पढ़ दीजिए, हो गया 12 का गुणज। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर पूछे कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर का मतलब हो गया कि 12 में किन किन पहाड़ों से भाग लग जाएगा, किन किन नंबरों से भाग लग जाएगा, जिन जिन नंबरों से भाग लग जाएगा 12 में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सभी को वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए पुनः फिर से दोबारा, ताकि जो भी है आपके सर्कल में उसको भी जोड़ने का काम कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। ठीक है, वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिए। हम अगर आपके लिए आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आप तो थोड़ी सी मेहनत तो हमारे लिए कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक समझिए कि आप लोगों को जो है ना, ये लाइक जो आप करते हैं ये समझिए कि आप लोग जो है ना हमें फी दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए, फी से कोई मुकरिए मत। और फ्री फोकट में लेके जाने का अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत गंदी बात है। ठीक है, किसी की हक को मत मारिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, सिर्फ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, हम तृप्त हो गए, मेरा आत्मा तृप्त हो जाएगा। चलिए, हमने दो चीज़ पढ़े इसमें, क्या क्या पढ़े, एक तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़े यानी कि एलसीएम का मतलब होता है, और दूसरा पढ़े हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, 12 का अगर गुणज बोला जाए तो क्या करेंगे, तो 12 से का गुणज होता है, इस तरह से करते करते जो है ना इन्फिनिटी तक चले जाएगा, अनंत तक चले जाएगा। मल्टीपल का जो है ना कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, अंत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल का गुना करते चलिए, गुना करते चलिए, चलते 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 रहिए, उसका अंत नहीं होने वाला है, इसलिए हम क्या लगा दिए यहाँ पर, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है, उसी प्रकार अगर 16 का मल्टीपल बोले, 16 का भी मल्टीपल यही होगा जो हमने इसमें किया, 12 का पहाड़ा लिख दिया, सिर्फ उसी तरह 16 का भी पहाड़ा लिख देना है। इस तरह से करते करते चले जाना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा पूरी इन्फिनिटी तक। ठीक, यानी मल्टीपल यानी कि गुना, सिंपल सी बात, इतना याद रखिएगा, मल्टीपल यानी कि गुना। ठीक है, और अगर फैक्टर का बात करें, अगर बोले कि 12 का फैक्टर क्या होगा, अगर बोले कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर जी 12 में जिस जिस नंबरों से हमारा क्या होता है भाग लग जाता है, जिस जिस नंबर से भाग लग जाएगा वो हमारा क्या होगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या, 12 में भाग हमारा, 12 में भाग हमारा एक से लग जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल लग जाएगा,
दो से लगेगा क्या? एकदम बिल्कुल लगेगा। तीन से लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तीन से भी। चार से लगेगा क्या? हाँ जी, चार से भी लगेगा। पाँच से लगेगा? नहीं लगेगा। छः से लगेगा क्या? जी बिल्कुल छः से लगेगा। सात से भी नहीं लगेगा। आठ से भी नहीं लगेगा। नौ से भी नहीं लगेगा। फिर दस से भी नहीं लगेगा। ग्यारह से भी नहीं लगेगा। किस से लगेगा? बारह से लगेगा। तो हम बोलेंगे सर जी बारह का फैक्टर जो है ना हमारा ये होने वाला है। ठीक है, बारह का फैक्टर क्या आएगा? यही आएगा ना, इन्हीं इन्हीं से ये जितना नंबर अभी लिखे हैं इन्हीं सभी नंबरों से तो बारह को क्या कर सकता है, काट सकता है, भाग दे सकता है कि नहीं? बारह से इन सभी में पहाड़ा में बारह जो एक से बारह भाग लगेगा, जी हाँ लगेगा। दो से काटेंगे छः बार में कट जाएगा। तीन से काटेंगे चार बार में कटेगा। चार से काटेंगे तीन बार में कटेगा। छः से काटेंगे दो बार में। बारह से काटेंगे एक बार में। क्लियर हो गई यहाँ तक? सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो जरा सभी को ही बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? क्लियर है तो एक बार सभी को ही यस करें। रूपम कुमारी यस सर, बहुत ही अच्छे। और सभी को ही बताएं, सभी को ही बताएं फटाफट। चलिए तेजी तेजी से बताइए, जल्दी जल्दी से। चलिए, इसमें आप लोगों को यहीं कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो। जल्दी से बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। एलसीएम का मतलब हमने लिख दिया, फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल का यानी कि गुणज, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। यहाँ तक सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिफिनेशन का बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम का डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वो छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाए। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, उसका डिफिनेशन जो है एलसीएम का, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन सभी जो उन संख्याओं में क्या हो रहा है, पूरी पूरी से तरह से भाग लग जा रहा है यानी कि कट जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। क्लियर है? और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, अच्छा एलसीएम का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। एलसीएम देख लीजिए, अगर हम बोले, अगर यहाँ बोला जाए कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो जरा वो बताना है। अब देखिए, फैक्टर और गुणनखंड जो समझ गए उनसे ये एलसीएम बन जाएगा। वो स्कूल वाला एलसीएम छोड़ दीजिए आप लोग, वो स्कूल वाला एलसीएम को छोड़ दीजिए, स्कूल में ही। अब स्कूल में नहीं, अब कॉलेज में आ गए, कॉलेज से भी बाहर निकल गए। ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो आप लोग पढ़े हैं एलसीएम निकालने के लिए, उसे कहते हैं डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि द्वारा हम लोग सीखे हैं उसमें। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ नहीं अपनाना है। अगर हम बोले कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे सर जी 12 का जो है ना मल्टीपल कर लीजिए और 16 का भी मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, देखिए 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 का 12 हो जाएगा, 12 दोनों 24 हो जाएगा, 12 तीया 36 हो जाएगा, बरचौक 48 हो जाएगा, 12 पंजा 60 होता है, बरछाक 72 होता है, वर्ष 84 होता है, बरठे 96 होता है। इस तरह से करते करते कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनेटिव तक चले जाएगा, यानी कि अनंत तक चले जाएगी, चले जाएगी ना। उसी तरह 16 का हम लिख लेंगे, 16 का भी हम मल्टीपल कर लेंगे यानी गुना कर लेंगे। इस तरह से करते करते जो है ना हमें इन्फिनिटी तक चले जाना है। अब देखिए 12 और 16 में हमें एलसीएम कैसे निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए जो है ना इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों मतलब कि मल्टीपल में, यानी कि दोनों मल्टीपल में हमें क्या करना पड़ता है कि एलसीएम जब भी बात करें तो उसमें कॉमन हमें लेना पड़ता है। दोनों में कॉमन क्या लेना होता है, सबसे छोटी कॉमन लेना होता है। ठीक है, जो सबसे छोटी कॉमन हो वो भी फर्स्ट।
यानी सबसे छोटी कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट नंबर ही सबसे छोटी कॉमन आएगा। सबसे छोटा कॉमन जो है दोनों में, ये दोनों में सबसे छोटा कॉमन जो आ रहा है समझिए कि वो हमारा क्या है, एलसीएम है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए जरा 12 क्या इसमें भी है क्या, नहीं है तो 12 नहीं होगा। 24 देखिए क्या इसमें है, जी नहीं है। 36 है क्या, नहीं है। 48 है क्या, जी हाँ है, यहाँ 48 है, ये 48 है। ये 48 जो है ना दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। 48 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। वैसे तो अगर बात करें तो यहाँ 96 भी उभयनिष्ठ है, अगर बात करें तो यहाँ 96 भी उभयनिष्ठ है, लेकिन हमने क्या बोला कि दोनों मल्टीपल में जो है ना हमें कॉमन क्या लेना है, सबसे छोटी कॉमन लेना है, सबसे छोटी कॉमन लेना है। जहाँ देखिए साफ साफ कह दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने क्या बोला एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो क्या, तो इसमें जो है ना सबसे पहला मेरा जो कॉमन आया दोनों में सबसे छोटी संख्या यही है ना, 96 कॉमन आया, फिर इसके बाद पहले 48 आया, फिर 96 है, यानी 98 बड़ा है, तो इससे मतलब नहीं लगना चाहिए। 48 मेरा क्या है, छोटा है, और ये कॉमन क्या है, छोटी है कि नहीं। तो ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर जी इसका एलसीएम जो है ना हमारा 48 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, एलसीएम कितना आ गया, 48 हो गया। जो हमारा सबसे छोटा कॉमन आ जाए वो हमारा क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। जो छोटा कॉमन आ जाए वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। चलिए बता दीजिए जरा सा सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, जरा सभी को ये बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए जल्दी से, यहाँ तक क्या सभी को क्लियर है। जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दीजिए क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी जवाब दीजिए, और इतना लेट मत कीजिए मतलब कि बताने में। चलिए सभी को ही बता दीजिए क्लियर है यहाँ तक, आप लोग इतना सा बताने में जो है ना बहुत लेट करते हैं, बताइए। चलिए चलिए देखिए, अब हम इस पर आपको एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसको आपको बनाना है, बताना है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको अभी आपको बनाना है, बताना है कि क्या ये क्लियर है या नहीं है आपका, देख लेते हैं हम भी थोड़ा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हमने एक क्वेश्चन दे रखा आपको ये कि 2 पर पावर 2 है, ठीक है, गुने है 3, गुने है 5 पर पावर 2, ठीक है। फिर हमने दे रखा 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, और गुने दे रखा 3 पर पावर 2, गुने है 5, ठीक है। हमको जरा बताइए कि इनमें एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा जरा वो हमको बता दीजिए, हमको इनमें बताइए कि इसका एलसीएम क्या आएगा वो बता दीजिए।
देखिए हमने वहाँ पर क्या बात किया, मल्टीपल में बात किया सबसे छोटी कॉमन लेना है। मल्टीपल में हमने क्या बताया कि सबसे छोटी कॉमन लेना है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फैक्टराइज में क्वेश्चन आ जाए, फैक्टर्स में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी पावर वाली जो घात होता है उनको हमको एलसीएम में लेना होता है। जो सबसे बड़ी पावर वाली घात होता है हम उनको एलसीएम में लेते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट इनको बता दीजिए हमें किसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से फटाफट इनका आंसर दीजिए सभी कोई, कि इनका आंसर क्या आने वाला है। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बार बार आपसे ये बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी कोई। चलिए फटाफट इनका जवाब दीजिए सभी कोई, इनका आंसर देने में विलम्ब ना करें कोई भी। हमने अभी बता दिया कि मल्टीपल की जब बात आए तो उनमें क्या करना है, सबसे छोटी कॉमन लेना है हमें, ठीक है। और अगर पावर में, अगर फैक्टर में बात करें तो एलसीएम निकालने का, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर की घात होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बनाते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए इनका सभी कोई। चलिए इनका आंसर दे दीजिए सभी कोई जल्दी से फटाफट, और विलम्ब आंसर दीजिए सभी कोई। चलिए तेजी से आंसर दीजिए सभी कोई तेजी से। चलिए तेजी से आंसर दीजिए सभी कोई। चलिए रूपम कुमारी का आंसर आ चुका है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। चलिए बहुत ही अच्छे, आपका आंसर सही भी है। देखिए हमने क्या बोला, एलसीएम कैसे निकालेंगे कि जो सबसे बड़ी पावर वाली होगी हम उनको लेंगे। यहाँ देखिए 2 का बात करें, 2, 3, 5 है ना, 2, 3, 5 है, तो हम पहले 2 × 3 × 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखना है कि पावर किनका अधिक है, अब देखना है कि पावर किनका अधिक है, तो हम बोलेंगे सर जी 2 पर पावर 4 है तो ये अधिक है, तो हम 2 पर पावर 4 वाली घात को ले लेंगे। 3 पर पावर किनका अधिक है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हम बोलेंगे सर जी 3 पर पावर 2 वाली होगी, क्लियर। अब बोलेंगे 5 जो है 5 कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे सर जी पावर 2 है 5 पर, यहाँ 1 है तो पावर 5 पर जो 2 है वो होगी, और यही हमारा आंसर भी होगा, क्लियर है सभी को, यही हमारा आंसर। क्या बात है, स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम है, आप लोग वीडियो शेयर नहीं किए हैं क्या, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी कोई फटाफट, एक दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए। चलिए ये तो हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। चलिए देखिए अब एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में, अभी एलसीएम में हम लोग क्या किए, हाईएस्ट पावर वाली घात को लिए, हाईएस्ट पावर वाली घात को लिए, लिए ना मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये एलसीएम में क्या किए हम लोग, मैक्सिमम पावर लिए, और एचसीएफ में क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम पावर लेंगे, यानी कि जितना छोटी से छोटी पावर वाली हो जाए उनको लेना है, ठीक है, क्लियर है सभी को कि हमने क्या बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। चलिए एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है। 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जो वे सभी संख्याओं में पूरी पूरी तरह से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो सबसे मतलब कि छोटी पावर होता है, जो सबसे छोटा पावर होता है, हम उनको एचसीएफ बनाते हैं। अगर मल्टीपल में बात करें, अगर मल्टीपल में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ी कॉमन आने वाली है उनको हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन जो आने वाली है, जो सबसे बड़ी कॉमन आने वाली है उनको हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। एलसीएम में सबसे छोटी कॉमन, एचसीएफ में सबसे बड़ी कॉमन, फैक्टर में बात करें
तो सबसे बड़ी पावर वाली घात एलसीएम होता है और सबसे छोटी पावर वाली घात एससीएफ होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई भी डाउट भी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, 36 और 84 का जैसे हम एचसीएफ बोले निकालने के लिए, 36 कोमा 84 का एचसीएफ क्या बोले, 36 कोमा 84 का एचसीएफ ज्ञात करना है, जरा उनको बता दीजिए तेजी से। चलिए फटाफट सभी को बताइए 36 और 84 का एचसीएफ। नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों का क्या करना है, फैक्टर कर लीजिए, दोनों का फैक्टर कर लीजिए और देखिए कि कौन सबसे कम मतलब कि पावर है, बस उनको आप बैठा दीजिए आंसर हो जाए। और नहीं तो एक जलवा दिखाएं आप लोगों को, क्या आप बोलो तो हम इनमें एक जलवा दिखा देते हैं, खुश हो जाएगा मन आपका कि वाह सर कैसे बनाए। देखिए करना क्या है, करना क्या है, अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले, ठीक है, अगर इस तरह से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बोले, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, करना है क्या हमें, हमको क्या करना है कि इन दोनों में देखिएगा कि डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, ठीक है, क्या देखना है, अंतर कितना है वो देखिए। तो हम बोलेंगे सर जी इसका अंतर जो है ना कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटा दीजिए तो 8 बचेगा और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, ये हो गया 48। ये कितना हो गया 48, यानी कि ये जो 48 आया ना, ये जो 48 आया ये क्या हो गया, ये इन दोनों का डिफरेंट हो गया, अंतर हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक। अब जरा ये हमको बता दीजिए क्या 48 जो है इन दोनों से कट जाएगी पूरी पूरी, इन दोनों से कट जाएगी पूरी पूरी क्या, तो बोलेंगे सर जी तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगी 48 से। अब देखिए जब नहीं कटेगा तो क्या करना है, इन 48ों का हम क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे, क्या लेंगे, फैक्टर, यानी कि इन 48ों का हम गुणनखंड कर लेंगे। अब 48 में सबसे बड़ी नंबर कौन सी आएगी जो कि वो डिविजिबल हो, यानी कि कट जाए पूरी पूरी भाग लग जाए, तो हम बोलेंगे सर जी 48 में जो है ना 12 ले लेंगे और एक 4 हो जाएगा, 12 गुना 4 कीजिए तो 48 होता है क्या, बरचौक 48। अब जरा ये बात बताइए हमको जो बड़ी नंबर क्या है, 12 है, ये बड़ी नंबर हमको ले लेना है एचसीएफ में। अब समझिए इसका एलसीएफ आंसर कितना आ गया, 12, हम बोलेंगे सर जी इसका एचसीएफ 12 आएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि 12 जो आया, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर नंबर मेरा इवेन हो, अगर नंबर मेरा इवेन हो तो आंसर भी हमारा इवेन ही आएगा, अगर ओड होता तो आंसर भी हमारा ओड ही आएगा। चलिए यहाँ देखिए कि ये 12 से जो है क्या ये दोनों में भाग लग जाती है, 12 से पूरा पूरा दोनों में क्या भाग लग जाती है, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल भाग लग जाती है 12 से दोनों बार दोनों में, 36 में भी और 84 में भी 12 से एकदम क्लियर हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया कि हमने क्या किया, सभी को समझ में आया क्या, सभी को समझ में आई ये बात, 36 और 84 का एचसीएफ जल्दी से बता दीजिए सभी कोई। गुड, अब एक सवाल हम आप लोगों के बीच पुनः फिर से रख रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरह बनाना है, ठीक है। हमने बोला 280, 455 तथा 735 कितना बोले, 280 कोमा 455, ठीक है, और तथा क्या है क्वेश्चन में, तथा 735, तथा 735 का एचसीएफ ज्ञात करें, का एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए इनको जरा सभी को फटाफट बता दीजिए, तो 280 कोमा 455 तथा 735 का एचसीएफ ज्ञात करना है, जरा तेजी से बता दीजिए, जरा तेजी से बताइए सभी कोई।
चलिए तेजी से बता दीजिए सभी कोई फटाफट। चलिए इनका आंसर दीजिए। 280, 455 तथा 735 का HCF ज्ञात करें कितना होगा, जरा सभी कोई बताइए फटाफट। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बता दीजिए सभी कोई। चलिए आंसर देने का काम कीजिए सभी कोई। और एक बात, अगर नहीं बना पाएंगे तो हमें एक बार क्लियर जरूर कर दीजिएगा कि सर जी नहीं बनेगा, ताकि हम बताने का कोशिश करें, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा तो हमें आंसर के इंतजार में जो है ना टाइम को नष्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा टाइम फिर, इसलिए अगर नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा। चलिए रूपम कुमारी का आंसर 35 आया, बहुत ही अच्छे। अब देखते हैं आंसर लाके क्या आता है। और भी सभी कोई आंसर दीजिए। गुड़िया कुमारी का यस सर आंसर। देखिए जिनको देना है वो थोड़ा स्पीड से आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए, क्योंकि उतना देर नहीं वेट कर सकते हैं, उतना देर वेट नहीं कर सकते। चलिए देखिए हमने क्या बोला, 280, 455 तथा 735, यही है ना, 280, 455 और क्या है 735, इनको कैसे बनाना है आप इनमें से क्या कीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ क्या किए कि दोनों में अंतर लिए, उसी प्रकार यहाँ भी हमें क्या करना है, अंतर लेना है। आई यहाँ तीन नंबर दिया हुआ है, तीन संख्याएं हैं ना, तो हमको क्या करना है, किन्हीं दो में से लेना, चाहे तो आप इनसे इसमें अंतर ले लीजिए, या फिर आप इनसे इसको अंतर ले लीजिए, या फिर इसको इससे ले लीजिए। अंतर जो है ना आप वही नंबर को लीजिए जो छोटा अंतर आए, ठीक है, जो छोटा अंतर आए। हम बोले कि 280 और 455 का अंतर क्या आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, 280 और 455 का अंतर क्या आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे हम, 5 से 0 गया तो 5 हो गया, और 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। जरा अब हमको ये बताइए 175 से क्या ये तीनों नंबर या ये दो नंबर, ठीक है, 175 से क्या ये दो नंबर पूरी पूरी तरह से कट जा रही है, कट जा रही है, तो हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं कट रहा, ये नंबर कटेगा ही नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 175 है ना, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे, क्या लेंगे, फैक्टर ले लेंगे, इसका हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे 175 का। जब आप 175 का गुणनखंड कीजिएगा, जब आप 175 का गुणनखंड करते हैं तो हम बोलेंगे सर जी 35 और गुने 5, 35 गुने 5 अगर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 175 का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, 175 का फैक्टर हो जाएगा। अब जरा ये बताइए कि 35 से क्या ये तीनों जो ऊपर में नंबर है, तीनों क्या 35 से पूरी पूरी कट जाएगी, जरा गौर करके देखिए 35 से क्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम बोलेंगे हाँ सर जी एकदम बिल्कुल 35 से कट जाएगा, बिल्कुल 35 से कट जाएगा, वैसे तो 5 से भी कटेगा लेकिन 5 से नहीं लेना है, क्योंकि 175 का सबसे बड़ी फैक्टर क्या हो जाएगी, 35। अब समझिए बड़ी बात कि फैक्टर कैसे हम ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए जरा 175 का जरा गुणनखंड आप कीजिए, तो हम बोलेंगे 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 का होता है 35, हो गया ना, 5 7 का 35। तो देखिए
अब देखिए यहां क्या आ रहा है, पांच, पांच गुने सात आ रहा है ना, पांच गुने सात आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि सात पचे पैंतीस गुने पांच कर दीजिए आप, जब सात पचे पैंतीस गुने पांच कीजिएगा, पैंतीस गुने पांच कीजिएगा तो हमारा 175 आ जाता है। तो वही चीज हमने किया कि पैंतीस गुने पांच कर दिए, पैंतीस पंजे 175 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए 175 का सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या बना, पैंतीस बना। सबसे बड़ा फैक्टर 175 में क्या है, पैंतीस है। तो हम बोलेंगे सर जी इसका एचसीएफ जो होगा ना वो भी हमारा क्या होगा, पैंतीस का ही होगा। एचसीएफ हमारा क्या आएगा, पैंतीस आएगा, इसका आंसर पैंतीस होगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक थम लगा दीजिए सभी को ही, एक थम लगा दीजिए सभी को ही फटाफट। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सात बटे का नौ कितना है, सात बटे का नौ कॉमा है हमारा चौदह बटा का पंद्रह, कितना है चौदह बटा का पंद्रह और कोमा है सात बटा का दस, कोमा है सात बटा का दस, सात बटा का दस। ठीक है, इसका हमें एच सी एफ ज्ञात करना है, का एच सी एफ ज्ञात करें। ठीक है, सात बटा का नौ चौदह बटा का पंद्रह और सात बटा का दस का हमें क्या ज्ञात करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका इनको ज्ञात कीजिए आप लोग, अगर जानते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमको पहले सूचित कीजिए कि सर नहीं होगा, ताकि हम टाइम को रहते हुए इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, इनका एक फॉर्मूला भी आता है, इनका एक फॉर्मूला आता है, देख लीजिए क्या आता है। एच सी एफ निकालने के लिए बोल रहा है ना, एच सी एफ निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो एच सी एफ जो होगा ना वो होगा हमारा ये जो फ्रैक्शन जो दे रखा है, ये जो फ्रैक्शन जो दे रखा है, एच सी एफ बराबर हो जाएगा ये जो न्यूमिनेटर जो है, ठीक है, इनका हमें एच सी एफ निकालना है और डिनोमिनेटर जो दे रखा है इनका हमें एल सी एम निकालना है। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि हर का जो अन ये जो फिर भिन्न का जो अंश है वो अंशों का हमें एच सी एफ निकालना है और हरों का हमें एल सी एम निकालना है, तो हमारा क्या आएगा, एच सी एफ निकल जाएगा। अगर एल सी एम निकालने के लिए बोला जाता तब हम क्या करते, एन ये अंश का एल सी एम लेते और हर का एच सी एफ लेते। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एच सी एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंशों का एच सी एफ, क्या बोलेंगे, अंशों का एच सी एफ बटा में हरों का एल सी एम। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए इनका आंसर भी आ गया, ब्यूटी यादव का सात बटे का नब्बा, सात बटे का नब्बा, ब्यूटी यादव सात बटे नब्बा, रूपम कुमारी सात बटे नब्बा, बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए हमने क्या बोला, एच सी एफ निकालने के लिए एच सी का फॉर्मूला होता है, एच सी एफ का अंशों का एच सी एफ बटे हरों का एल सी एम। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, बनाने का तरीका, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एच सी एफ है ना, एच सी एफ में क्या बोला है, अंशों का एच सी एफ, यानी कि ऊपर वाले सभी का एच सी एफ। जरा गौर फरमाइएगा कि सात चौदह सात है ना, सात चौदह सात है, तो अब जरा गौर फरमाइएगा कि इसमें कॉमन क्या आ रही है, जरा वो बता दीजिए कॉमन क्या आ रही है, सात चौदह सात में कॉमन क्या आ रही है। तो बोलेंगे सर जी इसमें कॉमन जो है ना हमारा सात आएगा,
कॉमन क्या आ गया हमारा, सात आ गया, आ गया ना सात। अब हम बात करेंगे 9, 15, 10 का, 9, 15, 10 का एलसीएम। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 9, 15 और 10 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, 9, 15, 10 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमको पहले क्या करना है, अगर यहाँ देखिए 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर जी 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या 30, 9 जो है 10, 30 में पूरी पूरी डिवाइड लग जाएगी, नहीं लगेगी। 9 को थोड़ा और टुकड़ा कर दीजिए, जरा 3 × 3 का टुकड़ा कर दीजिए, तो 3/3 9 होता है ना, 3/3 9 होता है, यानी कि 3 से 1 3 से हमारा क्या हो रहा है, 30 पूरा पूरा कट जा रहा है। 1 3 हमारा 1 3 जो है 30 को क्या कर रहा है, पूरा पूरा खंडित कर रहा है, 1 3 बच जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 30 में और 3 जोड़ दीजिए तो 90 होता है एलसीएम, यानी कि 9, 15, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90। हम बोलेंगे 7/90 आएगा सर, एकदम 7/90। जिनका जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही है, जिनका जिनका भी 7/90 आंसर आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उनको भी बनाकर दिखा दीजिए सभी कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 9/10, 9/10 कोमा है 12/25, कोमा है 12/25 और कोमा है 18/35, कोमा 18/35 और कोमा है 21/40, 21/40 का एचसीएफ, का एचसीएफ ज्ञात करें। जल्दी से बता दीजिए इनका आंसर, इसका एचसीएफ क्या आने वाला है, तेजी से बता दीजिए। 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से आप सभी कोई उसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी कोई, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है इनका, जल्दी से बता दीजिए सभी कोई। एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, करना क्या है कि जो अंश है इनका उसका एचसीएफ निकालिए और जो हर है इनका उनका एलसीएम निकालिए, आंसर आपके सामने है। एचसीएफ निकालने के लिए अगर फ्रैक्शन में रहे सवाल और एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोले एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो अंशों का हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है और हरों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, आंसर आपके सामने हाजिर रहेगा। तो जल्दी से तेजी से कर दीजिए सभी कोई। हम देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या करना है, ऊपर में देखिए कि अंश जो है उनमें कॉमन क्या आ रही है, उनमें कॉमन क्या आ रही है वो देखिए, एचसीएफ खुद पे खुद निकल आएगी। 9 12 18 21 में देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है उनको ध्यान से देखिए। हम बोलेंगे कॉमन इसमें अगर लेते हैं आप 9 12 18 21 में तो कॉमन हमारा 3 आएगा, एकदम बिल्कुल 3 आएगा। देखिए 3 3 का 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, यही ना होता है कॉमन जी। चलिए कॉमन क्या आएगा, ब्यूटी यादव का बड़ा लाजवाब आंसर आया है 3/1400, 3/1400। चलिए जल्दी जल्दी सभी को ये और आंसर दीजिए फटाफट कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ क्या आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। ब्यूटी यादव मेहनत कर रही है, मेहनत रंग लाएगा, निश्चिंत रहिए, इसी तरह का आंसर दीजिए। ऊपर वाले में फर्स्ट काम करना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए, देखिए इसमें क्या है, कॉमन क्या आ रही है। हम बोलेंगे सर जी 9, 12, 18, 21 में कॉमन हमारा क्या है, 3 है, तो हमने क्या कर रखा, 3 ले लिया, ठीक है। 3/10, 25, 35, 10, 25, 35, 40 का आंसर एलसीएम क्या होगा वो देखिए, 10, 25, 35, 40 का एलसीएम क्या आएगा वो जरा बता दीजिए कि क्या आएगा, फटाक से इसका एलसीएम निकाल लीजिए क्या आने वाला है।
इसका एलसीएम जो है ना 1400 आएगा। अभी अभी हम एलसीएम करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिए कि कैसे आएगा। चलिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 1400 आएगा, 3/1400। जिनका जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, 3/1400 जिनका जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, इसी तरह का आंसर देते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2^4 है, 2^4 गुने 3/2 है गुने 5/2 गुने 7, ठीक है, और कॉमा है 2/3 है गुने है 3/2 गुने है 5/2 और गुने है 7/2 का, ठीक है। तथा तथा है 3×5×7×11, 3×5×7×11 का HCF बताएं, का HCF क्या होगा। चलिए इनका भी HCF ही निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका भी वही निकालना है जो अभी अभी हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं। चलिए जल्दी से इनका आंसर दे दीजिए, 2/4 है, 3/2 है, 5/2 है गुना है 7 का, फिर है 2/3 गुना 3/2 गुना 5/2 गुना 7/2 तथा 3×5×7×11 इनका HCF निकालिए। HCF में हमने आपको बता दिया है कि इसमें जो है ना सबसे छोटी पावर वाली जो घात आएगी आप उनको HCF बना लीजिए, ठीक है। HCF में क्या होता है, HCF में जो हाईएस्ट पावर वाली नंबर होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है उनका, जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसका HCF होता है। यहाँ तक तो हम बता दिए, बन जाना चाहिए, आप लोगों ने आगे भी क्वेश्चन बनाए हैं इसके पहले। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटी घात होती है उनको एलसीएम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली घात होती है हम उसको एचसीएफ बनाएंगे। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, और विलंब आंसर दीजिए सभी कोई। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी से, जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से। आर के गुप्ता सर, आप बीपीएससी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, कोई सा भी एग्जाम हो, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। इनका 2/4 है गुना 3/2 है गुना 5/2 है और गुना 7 है, फिर दूसरा चालू होता है यहाँ पर 2/3 गुना 3/2 गुना 5/2 गुना 7/2। जल्दी से इनका आंसर दीजिए सभी कोई, तेजी से आंसर दीजिए कि HCF क्या होगा। हमने बोला कि HCF क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, और विलंब आंसर दीजिए सभी कोई, इतना लेट मत कीजिए, इतना लेट कीजिएगा तब तो हो गया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी कोई, इसमें ढूंढिए सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़का घात जो है ना उनको आप HCF बनाइए, जो सबसे बड़ा लगे आपको पावर, जो सबसे बड़ा लगे जिसका, आप उनको उठाइए HCF निकल के तैयार। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें देखिए पहले देख लीजिए कि हमारा 2, 3, 5, 7 ये सब है ना। चलिए देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है इनमें, वो सब ध्यान दीजिए। 2 की अगर पावर की बात करें सबसे बड़ी पावर 2 में क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे सर जी 2 में तो सबसे बड़ी पावर हमारा 4 का है ना। 2 में सबसे बड़ी पावर नहीं, बड़ी पावर नहीं होगा इसमें, जो सबसे छोटी पावर होगा वो होगा, मिस्टेक हो गया, गलती हो गई बोलने में हमसे, सॉरी। या HCF में हम लोग जो है ना सबसे छोटी पावर वाला लेते हैं, और LCM में हम क्या करते हैं सबसे बड़ी पावर लेते हैं, यहाँ HCF दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है बोलने में, आप लोग समझदार हैं समझ गए होंगे। जो सबसे छोटी पावर होता है उनको लेते हैं HCF में, ठीक है। तो सबसे छोटी पावर क्या है, तो हम बोलेंगे 2 में सबसे छोटी पावर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें तो 4 है, इसमें 3 है, और इसमें है ये नहीं है, इसमें जब नहीं है तो ये नहीं कि ये होगा ही नहीं, इसमें है, जब है ही नहीं, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, कॉमन ले रहे हैं ना,
तो दो में है, एक फैक्टर में है ही नहीं, तो दो तो होगा ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तीन देखिए सबसे छोटी घात वाला तीन किसमें है, एक तीन यहाँ पावर टू है, यहाँ भी तीन पर पावर टू है, और तीन देखिए यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो हुआ नहीं, यानी कि सबसे छोटी पावर वाला क्या हो गया, तीन हो गया। तो बोलेंगे तीन लिख दीजिए सर, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, दो खत्म हो गया, तीन खत्म हो गया। पांच की बात करें तो पांच पर पावर टू है, पांच पर पावर टू है, यहाँ देखिए पांच पर पावर वन है, तो हम बोलेंगे सर जी सबसे छोटी पावर वाला जो है ना ये पांच है, तो हम यहाँ पांच लिखेंगे गुना। अब पांच का भी काम तमाम। सात की बात करें तो सात का पावर देखिए यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, तो सात की कम पावर जो है सबसे छोटा पावर किसमें है, तो हम बोलेंगे सर जी सात में, तो हम यहाँ सात लिख लेंगे गुना। ग्यारह एक ही है और ये क्या है, 11 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये अकेले है। अब इनको गुना कर दीजिए आप लोग, जरा 5 3 15 होता है, 15 × 7 कीजिएगा तो 105 होगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 105 आएगा। फिर से थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम बोलने में जो है ना मिस कर गए, यहाँ एचसीएफ था, हमें लगा कि एलसीएम है, ठीक है, यहाँ हमें लगा कि एलसीएम है, इसीलिए हम इतना देर से चिल्ला रहे थे कि पावर जो है ना सबसे बड़ी पावर जो होता है आप उनको ले लीजिए, आप उनको ले लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर वाली होती है ना आप उनको लेना है, एलसीएम में हमें सबसे बड़ी पावर वाली को लेते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में हम लेते हैं सबसे छोटी पावर वाली। बात आ गई बात समझ में सभी को, समझ में आ गई सभी को बात, हमसे मिस्टेक से बोला गया था, बोल रहे थे, हमें लगा कि यहाँ एलसीएम है लेकिन यहाँ जब देखे तो एचसीएफ है, तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए सभी को समझ में आई क्या, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी को समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को फिर दे रहे हैं, आप उनको जरा हल करके बताइए। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन है, 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, और गुने में है फिर से हमारा 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 × 7 पर पावर 2, 5 पर 3 है, 7 पर 2 है, ठीक है। फिर कॉमा है 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 × 3 × 5 पर पावर 2 है, गुने है हमारा 7 का, ठीक है। फिर है तथा क्या है, 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 × 2, 3 पर पावर 4 × 5 पर पावर 4 × 2। चलिए जल्दी से इनका एचसीएफ बता दीजिए सभी को फटाफट, चलिए इनका एचसीएफ बता दीजिए सभी को तेजी से, अविलंब एचसीएफ बताइए सभी को इनका क्या आने वाला है। एचसीएफ बताना है, जो सबसे छोटी पावर हो आप उनको ले लीजिए एचसीएफ बनके तैयार, जो सबसे छोटी पावर हो आप उनको ले लीजिए आपका एचसीएफ बनके तैयार। चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी को, चलिए जल्दी से बताइए फटाफट इनका आंसर क्या होगा, एचसीएफ बताना है जल्दी से बताइए। 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 2 है, फिर है 2 पर पावर 2 3 है सिर्फ, फिर है 5 पर पावर 2 × 7, फिर है 3 पर पावर 4 × 5 पर पावर 4 × 2। इसका एचसीएफ क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, इसका एचसीएफ क्या होगा जल्दी से बता दीजिए।
चलिए तेजी से आंसर देने का काम कीजिए सभी कोई फटाफट। क्या बनेगा, क्या बनेगा आप लोगों से? अगर नहीं बनता है तो बोलिए, हम बनाते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 8:59। जल्दी से बता दीजिए सभी कोई। चलिए रूपम कुमारी का आंसर आ गया 2×2×3×5×2। चलिए देखते हैं, 7 है। चलिए हमने बोला जो सबसे छोटी पावर हो आप उनको ले लीजिए, आपका SCF बन के तैयार है। जो सबसे छोटी पावर हो आप उनको ले लीजिए, आपका आंसर बन के तैयार है। चलिए आंसर देने का काम सभी कोई कीजिए, आंसर देने का काम सभी कोई कीजिए। चलिए नहीं तो 3×5×2 होगा, ये कैसी बात है, ये कैसा आंसर है? आप दुविधा में हैं, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमने क्या बोल रखा है, अभी बार बार चिल्ला रहे हैं कि SCF जब भी निकालने के लिए बोले तो जो उनमें सबसे छोटी पावर आपको नजर आ रही है तीनों में, आप उनको लीजिए। जो सबसे छोटी पावर आपको नजर आ रही है आप उनको ले लीजिए, SCF बन के तैयार है आपका। डबल डबल आंसर मत दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इसमें SCF निकालना है ना, SCF निकालना है। हमने क्या बोला है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, ये 3 फैक्टर दे रखा है, 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टरों में हमें कॉमन लेना है। सबसे छोटी पावर वाली जो नंबर है आप उनको लीजिए, सबसे छोटी कॉमन। ठीक है, हम बात करेंगे 2 का। 2 देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 अकेला है, यानी कि इस पर कुछ पावर नहीं है तो ये अकेला है, तो सबसे छोटी पावर वाला वो है। तो हम क्या बोलेंगे, 2×3 की बात कर लीजिए। 3 देखिए इसमें पावर कितना है, 2 है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है 1 है, यहाँ देखिए 4 है, तो यानी कि 3 पर पावर सबसे कम यहाँ है, यानी कि हम बोलेंगे 3 ले लीजिए सर जी, गुने। अब 5 की बात कर लीजिए, 5 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे छोटी पावर हमारा 5×2 है। ठीक है, अब 7 की बात कर लीजिए, 7×2 है, यहाँ यहाँ 7×1 है, और यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो 7 होगा ही नहीं, जब कॉमन ही नहीं आया तो होगा क्या। आप जरा इनको तोड़ लीजिए, 2×3×5 का डबल करना है, यानी कि 5×5। आप जब इनको गुना कीजिएगा तो 3×2 6, 6×5 30, 30×5 150, इसका SCF कितना आएगा, तो 150 आएगा, इसका SCF कितना आएगा, 150 आएगा, इसका SCF कितना आएगा, 150। चलिए बताइए सभी को क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है यहाँ तक तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट। सभी को क्लियर है यहाँ तक तो सभी को ही बता दीजिए तेजी से। जल्दी से बता दीजिए क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। बताइए सभी को ही यहाँ तक, सभी को ही बताइए क्लियर है यहाँ तक।
तेजी से बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दीजिए सभी को, क्या क्लियर है? चलिए, ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखे हैं। इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। टू पर पावर टू है, गुना थ्री है, गुना फाइव पर पावर थ्री है, गुना सेवन है, गुना अलेवन है, ठीक है? उसके बाद है दो पर पावर थ्री, गुना थ्री पर पावर टू, गुना फाइव पर पावर टू, गुना सेवन, तथा टू गुना थ्री पर पावर टू, गुना फाइव गुना इलेवन पर पावर टू का एलसीएम ज्ञात करना है। तो तेजी से इनका एलसीएम बताइए सभी कोई। चलिए जल्दी से इनका एलसीएम बता दीजिए। एच सी एफ में हमने क्या कर रखा था कि जो सबसे छोटी पावर होता था हम उनको ले लेते थे, और एल सी एम में हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर है आप उनको लेना है, ठीक है? एल सी एम में हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर है ना, हम उनको लेंगे, तभी जाके ये एल सी एम बनेगी, आंसर आएगी। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इनका। जो सबसे बड़ी पावर वाली जो है, जो सबसे बड़ी घात है, आप उनको लीजिए एलसीएम बन के तैयार। चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी कोई। चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी कोई जरा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी को। चलिए तेजी से आंसर दीजिए सभी कोई इनका, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए तेजी से आंसर देने का काम कीजिए।
देखिए हमने बोला कि एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमने पहले भी बता दिए हैं आप लोगों को कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर वाली होती है आप उसको ले लीजिए, जो सबसे बड़ी पावर का घात है, जो सबसे बड़ी घात है आप उनको ले लीजिए, आपका एलसीएम बन के तैयार है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। रामपाल शुक्ला, हेलो हेलो सर, हेलो। चलिए चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाक से, तेजी से आंसर दीजिए, बहुत टाइम हो चुका है। हमने क्या बोला, इनका जो पावर, जो सबसे बड़ी पावर है आप उनको ले लीजिए, आपका एलसीएम बन के तैयार हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए तेजी से, क्या आप लोगों से बन पा रही है सवाल, ये नहीं बन रहा है तो आप हमें बताइए तेजी से, हम बनाएंगे, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं आंसर का। हमें आप सभी की प्रतीक्षा है आंसर का, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। चलिए देखिए हमने क्या बोला, जो इसमें सबसे बड़ी पावर है ना, जो सबसे बड़ी पावर है आप उनको ले लीजिए। चलिए देखिए इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, दो का बात करें तो यहाँ दो पर पावर टू है, यहाँ पर दो पर पावर तीन है, यहाँ पर एक है। हम बोलेंगे सर जी सबसे बड़ी पावर तो इसमें दो पर पावर तीन है, तो दो पर पावर तीन गुने का तीन में, चलिए तीन पर एक है, यहाँ पर, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी पावर सर तीन पर दो हो गया, तो दो ले लीजिए गुने। अब चलिए पांच की बात करिए, तो यहाँ पर पांच पर पावर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो हम बोलेंगे सर जी पांच पर पावर तीन बड़ी है, उसको ले लीजिए। अब करते हैं सात की बात, किसका, सात की बात, तो सात देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ नहीं है, चलिए एक ले लीजिए सात। अब ग्यारह, ग्यारह की सबसे बड़ी पावर जो है ना ग्यारह पर स्क्वायर है, तो ये ले लीजिए, और इसका आंसर यही आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया दो पर पावर थ्री है, पाँच तीन गुना तीन पर पावर टू है, गुना पाँच पर पावर तीन है, गुना सात है, गुना ग्यारह पर पावर दो है, इसका आंसर यही आ गया। क्या आप सभी को समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी को बात समझ में आ गई। चलिए तो आज की क्लास अब जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप सभी को शुभ रात्रि है, आप सभी को शुभ रात्रि है, गुड नाइट है सभी को। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुड नाइट रूपम।